Hey guys, what's up? This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel Rahul Lohani Official. चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नीचे कुछ पंक्तियों में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब द चैनल। और आज सुबह सुबह जैसे ही सूर्यदेव को जल चढ़ाया, मैगी का फोन आया कि मायरा की जो स्कूल वैन है उसका टायर पंक्चर हो गया है, सो आई विल हैव टू ड्रॉप मायरा स्कूल। शी इज एब्सोल्युटली रेडी और थोड़ी सी स्ट्रेस में है क्योंकि आहान अभी तक आया नहीं है और हम स्कूल के लेट हो रहे हैं। और आई जस्ट चेक द गूगल, आ गया हीरो। एंड आई जस्ट चेक द गूगल कि ट्रैफिक जाम मिलने वाला है। चल भाई चल, लेट हो गए, कम फास्ट। गूगल मैप पे ट्रैफिक दिखा रहा है और ये लेट आ रहा है। ओ बच्चे की शक्ल तो देखो, लगता है घबरा आ गया। सा से सुबह भी होता है, सा से सबसे कम ट्रैफिक भी होता है। तो सुबह सुबह सबसे कम ट्रैफिक में कहीं भी बॉम्बे में जाना अच्छा लगता है, जैसे कि अभी। और ये अंधेरी वेस्ट स्टेशन रोड की वो गलियां हैं जो 11-12 बजते बजते इतनी बिजी हो जाती हैं। यहाँ की फुटपाथ मार्केट खुल जाती है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ फ्री बढ़ रहा है। आओ और ले जाओ, पैसे की चिंता भूल जाओ। और हम पहुंच गए स्कूल। मायरा का स्ट्रेस हुआ कम क्योंकि वो वक्त से पहले स्कूल पहुंच गई है। अदरवाइज स्कूल से आने के बाद अपनी तो बैंड थी भाई। बस यही एक वक्त है जब बॉम्बे की रोड्स जो हैं थोड़ी खाली दिखाई देती हैं। अगर कोई बाहर का आदमी इस वक्त मुंबई की रोड्स को देख ले तो उसे लगेगा, अरे वाह, यहाँ तो ट्रैफिक ही नहीं होता है, लुक एट दिस रोड। इसको तूफान से पहले की शांति कहूँ तो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद इस रोड को क्रॉस करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लगभग 4 घंटे के बाद पान चबाते चबाते। ओके, सो अभी मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने के लिए और मैसेज आ गया कि भाई पहुँच जाओ, हूँ मैं सैलून पे। और साथ में अपना ये जो घड़ा था इसका ये क्या बोलते हैं, नल टूट गया है, कल समीर से टूट गया था ये, तो इसको भी दिखा देते हैं रिपेयर होगा नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो नया घड़ा लेना पड़ेगा, होपफुली रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए रिपेयर करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको तोड़ के दूसरा नल लगाना इतना ही करना है। तो मैं ये देखते हुए निकल जाता हूँ, मुझे मालूम है हाथ वाथ तो मिलने वाला नहीं है, सो जब मैं वापस आऊँगा तब ले लूँगा। आवाज़ इको क्यों हो रहा है मेरा? अरे गौर से सुन, कान लगा। हेलो चेक। अच्छा, घड़े की वजह से हो रहा है। मुझे मालूम होता इतना आसान है तो मैं आके सिर्फ यही ले जाता, घड़ा उठा के नहीं लाता। लगेगा नहीं लगेगा, निकाल के डालना पड़ेगा। बिना मटके का पानी पीऊंगा मैं तो तेरी वजह से। चल छोड़े भाई, चलो मटका छोड़ दिया है भाई, नहीं लगा वो वाला नल। हम फटाफट जाते हैं हेयर कट कराने के लिए क्योंकि वसीम वेट कर रहे हैं। तो बेसिकली उसने पहले नल था दूसरा उसका रखा होगा, उसमें से सिर्फ ऊपर की चीज जो टूटी थी वो निकाल के लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं लग रहा था। उसने बोला कि सर अभी ये नहीं लग रहा है तो मुझे तो नया नल डालना पड़ेगा। नया नल डालने का मतलब उसको तोड़ के निकालेगा फिर लगाएगा, तो उसका वो चार्ज कर रहा था 150 रुपये। मैंने कहा भाई 400 का मटका नहीं है, 150 रुपये का नल, बाप रे। तो उसने बोला कि सर मुझे इसमें कुछ बचेगा नहीं, लेबर के पास जाता है, बट ये ठीक है, वो उसके उनके कमाने के तरीके हैं, बट ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं। तो 120 में बात फिक्स हुई है कि वो वापस से उसको कलई करके नया करके दे देगा, तो ठीक है, एक तरीके से डेंटिंग बेंटिंग भी हो जाएगी,
एंड नया नल लग जाएगा। सो अब कल वापस आएंगे, तब तक के लिए ड्राइव करते हैं और जाते हैं वसीम के पास, इन बालों के गुच्छों को थोड़ा कम कराते हैं। वैसे आज कुछ कमाल ज़्यादा नहीं हो रहा है, जिस तरफ से भी मैं निकल रहा हूँ रोड थोड़ी खाली है, देखो इतना कम ट्रैफिक, वो भी इस JVLR की रोड पे। कल जो एक कफ सिर्फ मुझे रेकमेंड किया था, ZX Plus, ZX Plus, उससे बहुत आराम हुआ, वरना कल तक तो मैं बोल ही नहीं पा रहा था, आवाज़ मुझसे निकल ही नहीं रही थी। बट मैंने 3 डोज लिए हैं उसके एंड आई एम फीलिंग मच बेटर, रात को सो पाया। वरना क्या होता है, जैसे ही आप सीधे लेटते हो तो आपका कफ आपके गले की तरफ आना शुरू कर देता है और वो आपको बार बार उठाता है, क्योंकि आपकी वो जो म्यूकस है, बलगम है, वो गले में अटकता है बहुत। अभी भी है लेकिन उतना तकलीफ नहीं दे रहा जितना मुझे पिछले 3-4-5 दिनों में दिया था। सो इट्स मच मच बेटर टुडे। सो ट्रैफिक नहीं मिलने का कारण ये भी हो सकता है कि एक तो दिन के 2 बजे हैं और ऊपर से मुंबई में जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, बिना एसी के आपका गुजारा नहीं है, तो पॉसिबल है कि इसलिए भी रोड खाली है। एक्टर्स क्रिकेट बैच ख़त्म होने के बाद यहाँ आना उतना नहीं हो पाता है, बिकॉज़ यहाँ उतना काम पड़ता भी नहीं है। अदरवाइज़ मैं इधर ही गाड़ी पार्क किया करता हूँ जब भी प्रैक्टिस के लिए आता हूँ, और बिकॉज ऑफ एक्टर्स क्रिकेट बैच ख़त्म हो गया है, प्रैक्टिसेस नहीं है, मैचेस नहीं है, तो यहाँ उतना आना नहीं होता है, अनलेस मुझे हेयर कट के लिए आना हो, जैसे कि आज मैं आ रहा हूँ वसीम के पास लोकनवाला मार्केट में टू कट माय हेयर। लोखंडवाला मार्केट, अब शॉप तो सब वही है लेकिन बड़े बड़े ब्रांड्स की फर्स्ट कॉपी यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। चलो पार्किंग मिल गई, गाड़ी को बंद करते हैं और पहुंच जाते हैं हेयर कट कराने के लिए। चलो हेयर कट तो हो गया, अब यही फर्क होता है एक नॉर्मल जो नौवा नाई बोलते हैं और एक प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर में, वो फर्क दिख ही रहा होगा इन बालों में, कितना थिनर यूज करना है, कैसे काटने हैं, टाइम लगता है बाल काटने में, और वही उनकी आर्ट है, वही उनकी कला है। सो बहुत पहले नहीं आता था मैं यहाँ पे, एक्चुअली बहुत साल पहले मैं मशीन से ही कटाता था, फिर यहाँ तक आने में बहुत सोचना पड़ता था, देन आई रियलाइज कि नहीं यार, लेकिन बालों को अगर अच्छा रखना है, उनको एक अच्छा लुक देना है, देन यू हैव टू गो टू अ प्रोफेशनल हु अंडरस्टैंड योर हेयर।
और वसीम ने पहले मेरे बाल काटे, तो उसको मेरे बाल अच्छे से पता है कि इस पर कैसी कैची चलानी है। एंड दिस इज द आउटकम। और मैं जब घर पहुंचा और घड़ी में बजे थे 5। बट द बेस्ट पार्ट इज व्हाट यू नो, इवन इफ यू मीट 3-4 पीपल, दैट्स इट। दिस इज समथिंग फॉर मोर मोस्ट राइट नाउ। हाउ डिड आई अंडरस्टैंड इट एज आई जस्ट थॉट ओके फाइन प्रोबेबली इट्स इन राइटिंग एंड यू नो एनालिसिस, दिस इज डिफरेंट। आई एम नॉट आउट ऑफ दिस। सो व्हाट हैपेंस इज दिस फिंगरप्रिंट ना, why we talk about finger, the fingerprint never changes. Fingerprints, इसकी बातें तो पुलिस वाले करते हैं। Exactly, यहाँ पर बात हो रही है fingerprints की, ना तो ये CID में है ना ये पुलिस में है। Fingerprints की बातें क्यों हो रही है, इनका क्या कनेक्शन है और ये कितनी कमाल की चीज़ है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा मेरे कल के ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है और मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता। सो स्टे ट्यून्ड टू नो व्हाट एग्जैक्टली दिस गाय इज सेइंग, कितना सेंस बनता है, कितना आपकी लाइफ में फिंगरप्रिंट एनालिसिस इफेक्ट डाल सकता है, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके बारे में बता सकता है। जानने के लिए स्टे ट्यून्ड टुमारो अगेन इन माई ब्लॉग, वेयर वी विल अंडरस्टैंड क्या है फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी, क्या है फिंगरप्रिंट एनालिसिस, और साथ में जाएंगे और प्रतीक गांधी के बर्थडे सेलिब्रेशन को एंजॉय करेंगे। स्टे ट्यून्ड। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर हिट द लाइक बटन, कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू टुमारो, बाय बाय।